हेलो फ्रेंड, नेटिंग डिज़ाइन में देखिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हमारा मल्टी कलर डिज़ाइन है और आप इस डिज़ाइन को किसी भी बड़े बच्चे या छोटे बच्चे किसी की भी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, पुलोवर कहीं भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन बनी है, तो आइए आज के वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस मल्टी कलर डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6-6 के मल्टीपल फंदे प्लस 1 कर दें तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 6 के मल्टीपल 18 प्लस 1 टोटल 19 फंदों में ये डिज़ाइन बता रही हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए। एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट करिए। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। और इसमें देखिए, सबसे पहले हमारा रेड आएगा, 1 हमें रेड से करना है और अब वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट के। अब हम 1 रेड 5 वाइट पूरी रो में रिपीट करेंगे। 1 रेड 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, 1 रेड 1, 2, 3, 4, 5 वाइट और लास्ट वाला 1 हमारा रेड कलर रहेगा। ये हमारी रो 2 है और इसमें देखिए शुरू के 1, 2 फंदे ही रेड के रहेंगे और इसके बाद 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे रेड, 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3 रेड, 1, 2, 3 वाइट और रो की लास्ट में आएंगे तो 1, 2 फंदे रेड कलर के। ये हमारी रो 3 है, इसे हम रो 1 की तरह बनाएंगे। 1 हमें रेड से करना है, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, 1 रेड 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, 1 हमें रेड से करना है और 5 फंदे वाइट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। और रो की लास्ट में देखिए हमारा एक रेड कलर रहेगा क्योंकि एक फंदे को हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए, अब हम रो 4 पे हैं और इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के 1, 2, 3 फंदे हम वाइट के करेंगे। 3 वाइट के बाद अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर ब्लू आ जाएगा, 1 हमें ब्लू से करना है और अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट और 1 हम ब्लू से करेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, 1 ब्लू और लास्ट में 1, 2, 3 फंदे वाइट। तो देखिए स्टार्टिंग में भी 3 वाइट है और लास्ट में भी 3 वाइट है और बीच में हर बार 5-5 फंदे वाइट के रहेंगे। ये हमारी रो 5 और इसमें देखिए 1, 2 फंदे शुरू के हमारे वाइट रहेंगे और अब यहाँ से 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 ब्लू। अब जब रो की लास्ट में आएंगे तो 1, 2 फंदे ही
वाइट कलर से रहेंगे। ये हमारी रो 6 और इसमें हमें सेम कलर वाइट फंदों को हम वाइट से बनाएंगे और ये ब्लू को हमें ब्लू से बनाना है। बहुत इजी और सिंपल डिज़ाइन है। देखिए फिर वाइट आया है तो इस 3 वाइट को हम वाइट से करेंगे और 3 ब्लू को ब्लू। जो कलर हमारा जैसा है हम उसे वैसे ही बनाएंगे। ये हमारी रो 7 और इसमें देखिए सबसे पहले हमें 1 वाइट करना है और इसके बाद 1, 2 फंदे ब्लू। अब हम 1 वाइट 2 ब्लू पूरी रो में रिपीट करेंगे। 1 वाइट करना है, 1, 2 फंदे ब्लू। इस बीच वाले वाइट को 1 वाइट करना है, 1, 2 फंदे ब्लू। 1 वाइट, 1, 2 ब्लू। 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लू। फिर 1 वाइट करेंगे, 1, 2 फंदे ब्लू और लास्ट में 1 हमारा वाइट कलर। ये हमारी रो नंबर 8 और इसमें देखिए 1, 2 फंदे स्टार्टिंग में ब्लू के रहेंगे और अब यहाँ से 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू के। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 2 फंदे ब्लू रहेंगे। अब हम 3 वाइट 3 ब्लू पूरी रो में रिपीट करेंगे। फिर रिपीट करते हैं, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3 वाइट और जब रो की लास्ट में आएंगे तो 1, 2 फंदे ही ब्लू से रहेंगे। ये हमारी रो 9 और इसमें आप देखिए सबसे पहले 1 हमें वाइट से करना है, 1, 2 फंदे ब्लू। अब इसे ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लू, 1 वाइट, 1, 2 ब्लू, 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लू करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये हमारी रो 10 है और इसमें देखिए शुरू के 1, 2 फंदे वाइट के रहेंगे और अब यहाँ से 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1, 2, 3 वाइट, 1, 2, 3 फंदे ब्लू और लास्ट में 1, 2 फंदे वाइट कलर से। ये देखें अब हम रो 11 पे हैं और इसमें हमें सेम कलर जो फंदे देखिए 2 वाइट के दिख रहे हैं इसे वाइट से करेंगे और जो फंदे हमारे ब्लू कलर के दिख रहे हैं इसे हमें ब्लू से बनाना है। फिर ये वाइट है तो वाइट को वाइट और इस ब्लू को ब्लू करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए रो नंबर 12 में 1, 2, 3 फंदे स्टार्टिंग के वाइट रहेंगे, इस बीच वाले ब्लू को 1 ब्लू करना है और अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट और 1 हमें ब्लू से बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे वाइट, 1 ब्लू और जब रो की लास्ट में आएंगे तो यहाँ 1, 2, 3 फंदे ही वाइट से रहेंगे। ये देखिए
रो 10 तक हमारी ये एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। और इसके बाद फिर हम रो 1 से लेकर रो 10 तक की डिज़ाइन को जब बार बार रिपीट करेंगे तो यही डिज़ाइन हमारे पूरे स्वेटर में बन के आएगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।